नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। होशंगाबाद अचानक पहुंचे बस स्टैंड एसडीएम आदित्य रिछारिया एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेनागुरिया और बस स्टैंड को सागर बस स्टैंड जैसा बनाने की व्यवस्था। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेनागुरिया ने बताया कि सागर का बस स्टैंड मैंने जिस तरह बनाया है उसी तरह होशंगाबाद की बस स्टैंड भी बनाने जा रहे हैं। यात्री प्रतीक्षालय में जाकर व्यवस्थाओं को देखा एवं पुराने आरटीओ की जगह बन रहे दीनदयाल रसोई की व्यवस्था के लिए कमरे एवं लाइट की व्यवस्थाओं को देखा एवं बसों को ठीक तरह से खड़ी करने के लिए सफेद लाइन खींचकर दो बसों के बीच में कम से कम 5 फुट की दूरी रखी जाए ऐसा निर्देश बस ऑपरेटर्स को दिया। बस स्टैंड के बीच में काली गिट्टी के अवैध भंडारण पर भी चालानी कार्यवाही की गई एवं साहूटू मोटर गैरेज द्वारा दीवार तोड़कर बस स्टैंड परिसर में लोहे का गेट लगाकर अपनी बाइक के सुधारते थे अधिकारियों को देखकर अपनी मोटरसाइकिल इधर उधर भगा कर ले गए। लोहे की गेट को अधिकारियों ने अपने सामने वेल्डिंग कराया जिससे पीछे की तरफ वह लोग आ नहीं सके। नगर पालिका द्वारा संचालित रेन बसेरा में जाकर व्यवस्थाओं को देखा एवं बस स्टैंड के अंदर पनप रहे अतिक्रमण को भी हटाने के आदेश नगर पालिका को दिए गए। इसके बाद एसडीएम एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मीनाक्षी चौक पर यातायात दुरुस्त करने के लिए देखने पहुंचे, क्योंकि हमेशा मीनाक्षी चौक पर शाम के समय जाम लगना आम बात हो गई है। इस अवसर पर नगर पालिका से आरसी शुक्ला, पंकज बरगले एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहे। उस पे आपके द्वारा क्या कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई की गई है? आरटीओ साहब के साथ मेरे द्वारा भ्रमण किया गया और ये पाया गया कि कुछ ऑटो पार्ट्स वाले थे, वो सामने की दुकान खोल करके आपकी सामग्री बेच रहे और बस स्टैंड के पीछे तरफ से ही उनने एक दरवाज़ा बना लिया था। दोनों दरवाजे बंद करा दिए गए हैं और जो अवैध रूप से किसी के द्वारा गिट्टी वहाँ रख दी गई थी, तो नगर पालिका कहा गया है कि 8,000 रुपये उनसे जुर्माना वसूल करें और आज उनको टाइम दिया गया शाम तक वो हटा लें, अन्यथा कल नगर पालिका उसको जब्त कर लें। तो आज मीनाक्षी चौक पर आप लोग किस लिए आए हुए हैं? क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, यहाँ समस्या बन रही है जो सकरापन होने के कारण, तो हमारा प्रयास ये है कि हम उसको देखें कि कैसे इस ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है सकरापन इसको दूर किया जा सके। तो एक्चुअली ये PWD की रोड है, तो इसमें PWD के एक्टिविटी इंजीनियर उनके साथ विजिट किया जाएगा, देखा जाएगा कि इस रोड को कैसे चौड़ा किया जा सके ताकि वन वे हो जाए, एक तरफ से जाना एक तरफ से आना। कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के निर्देश पर जो बस स्टैंड के रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, आज इसी का मेरे और SDM साहब के साथ संयुक्त रूप से, जिसमें नगर पालिका अधिकारी थे, हम लोगों ने आज वहाँ पर जांच की है कि कार्य की क्या प्रगति है और हमने देखा है कि कार्य वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है और जो जो अभी कमियाँ थी उन कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। जिन लोगों के अवैध अतिक्रमण थे, अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का कार्य आज किया गया है, साथ ही साथ क्या क्या किया जाना है इस संबंध में भी दिशा निर्देश किए गए। सर, दो ऑटो पार्ट्स की दुकानें भी सील की गई हैं वेल्डिंग करके? बिल्कुल, ऑटो पार्ट्स की दुकानों का काम जो है वो बस स्टैंड साइड में हो रहा था, वो बार बार अपनी दुकानों को पीछे से खोल के ऐसा कार्य कर रहे थे, इस कारण से SDM महोदय के निर्देश पर तुरंत उनको वेल्डिंग करा के कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है और इससे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आगे वो लोग वहाँ पर नहीं कर पाए। कुछ जुर्माना वगैरह क्या गिट्टियाँ पड़ी हुई थी अवैध? हाँ, इस संबंध में SDM होशंगाबाद द्वारा आदेश दिया गया है, जो अवैध रूप से वहाँ गिट्टी डाली गई थी बस स्टैंड परिसर में, उनके जो गिट्टी डालने वाले हैं उनको 5,000 रुपये का जुर्माना तत्काल चालान किया गया।